हरे कृष्णा दोस्तों, श्री साई मूर्ति आर्ट चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पंडित जितेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूं माता दक्षिणेश्वरी काली माँ की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, जो हमने मात्र 10 इंची में रेडी किया है और भक्त के भाव के अनुसार हम लोगों ने मूर्ति इसको बनाया है। और आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, साझा करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने कितनी मेहनत से, कितनी बड़ी तपस्या से यह दक्षिणेश्वरी माता की काली की मूर्ति बनाई है। तो दोस्तों आइए मैं इनके बारे में विशेष तरह से आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कलकत्ता में उत्तरी दिशा में जो दक्षिणेश्वरी काली माता का मंदिर है, ऐसा ही सुंदर स्वरूप हमने देने की कोशिश की है और बहुत हद तक हमने इसे बहुत सही तरीके से बनाया है। तो देखिए इनके नैन देख लीजिए, इधर को जो मीनाकारी हम किए हैं वो भी दक्षिणेश्वरी काली रूप में ही हमने किए हैं। ये जो ललाट है, यहाँ ललाट पे भी हम लोगों ने काम किया है, लालिक बोलते हैं इनको, यहाँ भी मेहंदी टाइप में है ना, और यहाँ भी मेहंदी हमने बनाया है, यहाँ मुंडन माला बनाया है, यहाँ इस्कॉन टाइप की मूर्ति हैं दोस्तों। इनमें आप श्रृंगार अपने हिसाब से अद्भुत श्रृंगार कर सकते हैं, माता रानी को तरह तरह से सजा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आती है दोस्तों। अदरवाइज दूसरी मूर्तियों में जिसमें ऑलरेडी कपड़े पहने होते हैं उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सुंदर श्रृंगार आप नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो मेरा उद्देश्य यह है आपको बोलने का कि आप इस्कॉन टाइप की ही मूर्तियां ज़्यादातर बनवाएं और उनको सुंदर श्रृंगार करें। भक्ति ही दोस्तों उत्तम साधन है मोक्ष प्राप्त करने का। तो आप भी अपने घर में माँ काली की स्थापना करा सकते हैं, 10 इंची, 12 इंची, 15 इंची, 18 इंची तक आप घर में स्थापना करा सकते हैं दोस्तों। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। और देखिए शिवजी भी आप देख लीजिए, आगे शेर का मुख बनाया गया है, जिनमें से जब इनमें अभिषेक होगा तो जल धारा शेर के मुंह द्वारा निकलेगा दोस्तों। सर्प देख लीजिए, इनमें 2-3 तरह के सर्प दिए गए हैं और चंद्रमा भी दिया गया है, पूरा एक रूप अलग से ही दिया गया है दोस्तों। तो यह कारीगरी श्री साई मूर्ति आर्ट की तरफ से आपको दी जा रही है। तो आप भी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी मिली, कैसी दिखी, और अगली वीडियो के साथ में मिलते हैं जल्द से ही। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि यह धार्मिक प्रचार रूपी चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट और अन्य किसी ऐप पर साझा करें दोस्तों। और भक्ति के लिए लोगों के मन में जो भक्ति भावना है उसको जागृत करने के लिए दोस्तों आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में देखने के साथ साथ आप शेयर जरूर करें दोस्तों। मेरा आपसे निवेदन है और भक्ति प्रचार के लिए, मात्र भक्ति प्रचार के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।